नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं चीनी जो कि किसी भी मिठाई में मिठास घोलने का काम करती है और बच्चों एवं बुजुर्गों की फेवरेट डिशों में शुमार होती है। मिठास की इस परिभाषा का अस्तित्व कहां से और कैसे शुरू होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखते रहिएगा आप हमारा चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग। रोहाना शुगर मिल जो कि मुजफ्फरनगर के रोहाना कला गांव में यूपी स्टेट हाईवे 59 पर स्थित है और इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में अमृतसर पंजाब से आए मोना सरदार श्याम सिंह जी ने 1933 ईस्वी में की थी तथा इसका प्रथम पेराई सत्र भी 1933 में ही शुरू हुआ था। उस समय इस मिल की कैपेसिटी 16,000 क्विंटल था, लेकिन अब वर्तमान में लगभग 92 साल बाद इस मिल की क्षमता को 25,000 क्विंटल कर दिया गया है। मैं यहाँ पे आईपीएम शुगर मिल में डिप्टी चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है और उसको कैसे क्रश करके जूस निकाल के आगे प्रोसेस में चीनी बनाने के लिए भेजा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग में। मिल में एंट्री के पश्चात सबसे पहले गन्ने को तोला जाता है। गन्ने को तोलने के बाद उसको कैन कैरियर में छोड़ा जाता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, कैन कैरियर में क्रेन की मदद से गन्ने को उठाया जा रहा है और कैन कैरियर के अंदर छोड़ा जा रहा है, जिसकी मदद से ये आगे होते हुए लेवलर के थ्रू समान मात्रा में आगे बढ़ता है और अगली तरफ कटर के द्वारा इसको काट दिया जाता है जो कि फाइब्राइजर की ओर बढ़ जाता है। फाइब्राइजर का कार्य होता है गन्ने के टुकड़ों को छोटे छोटे रेशों में परिवर्तित करना, जिससे उसे मिल पर आगे बढ़ाया जाता है। अब फाइब्राइजर से गन्ने के रेशों को मिल हाउस में भेजा जाता है, जहां पर श्रेणी क्रम में लगी 5 मिलों से गन्ने को गुजारा जाता है, जिसमें 70% गन्ने का जूस मिल नंबर 1 से ही प्राप्त कर लिया जाता है तथा बचे हुए 30% जूस को अन्य मिलों से प्राप्त कर लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मिल का मतलब होता है कि बड़े बड़े घूमते हुए रोलरों से गन्ने को गुजारना, जिससे गन्ने के जूस को अच्छे तरीके से निष्कासित किया जा सकता है। और अब गन्ने की बची बगास को बगास एलिवेटर की मदद से बॉयलर में भेजा जाता है, जहां पर उसे सर्टेन टेम्परेचर पर पकाया जाता है और स्टीम को जनरेट किया जाता है। यहां से बनी हुई स्टीम को सीधा पावर प्लांट में भेजा जाता है, जहां से पूरे मिल प्लांट को बिजली की सप्लाई की जाती है। और यहाँ से फिर हमारी हाई वोल्टेज जो निकलती है डीसीबी में, मेन परिकल्पना वही डीसीबी में एनजीआर वगैरह नीचे पैनल दो लगे हुए हैं, सिटी पैनल और एनजीआर। और यहाँ से फिर ट्रांसफार्मरों में गई, नीचे चार ट्रांसफार्मर लिखे हुए हैं हमारे, और वहाँ से वो हम फैक्ट्री में लेते हैं। इधर जो पैनल है हमारे एनजीबी लगे हुए हैं, वहाँ से फिर डीसी बुक करते हैं। और अब जूस को DSM स्क्रीन से गुजारा जाता है, पास किया जाता है, जिससे यहाँ पर छोटे छोटे बगास पार्टिकल को छान लिया जाता है और जूस को आगे बॉइलिंग हाउस की ओर भेजा जाता है। मैं कुलदीप चौधरी, डिप्टी चीफ केमिस्ट, आईपीएल शुगर मिल रोहाना कला, हम आपको बताएंगे कि गन्ने के जूस के बाद में जो मिक्स जूस हमें मिलता है बॉइलिंग हाउस में, उसकी चीनी कैसे बनाई जाती है। और अब DSM स्क्रीन से छने हुए जूस को बॉइलिंग हाउस में रॉ जूस टैंक में इकट्ठा किया जाता है और अब एक पंप के द्वारा जूस को रॉ जूस टैंक से निकालकर जूस हीटर में लिया जाता है, जहां पर इसका तापमान स्टीम के द्वारा 70 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जूस हीटर से निकलने के बाद जूस को जूस सल्फाइटर में डाला जाता है, जहां पर चूना लाइम और SO2 गैस द्वारा जूस को फाड़ा जाता है, जैसे दूध से पनीर को निकाला जाता है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जूस सल्फाइटर के बाद जूस को 103 डिग्री सेल्सियस तक दोबारा गर्म करने के लिए जूस हीटर में दोबारा भेजा जाता है। 103 डिग्री सेल्सियस गर्म जूस को अब लाइनों के द्वारा फ्लैश टैंक में भेजा जाता है, जहाँ से वह जूस क्लैरिफायर में जूस सेटलिंग के लिए जाता है। यहाँ पर क्लियर जूस और मडी जूस को अलग अलग कर दिया जाता है और मडी जूस को हम वैक्यूम फिल्टर से पास कराकर जूस व मड को अलग कर लेते हैं। जो क्लियर जूस है वो अलग हो जाता है, मड नीचे बैठ जाता है, मड जो है वैक्यूम फिल्टर में जाता है। अच्छा, क्लियरिटी जो जूस की है वो यहाँ से बाहर निकल।
और इसी वैक्यूम फिल्टर की मदद से हम मडी जूस से मड को अलग कर लेते हैं और जूस को नीचे टैंक में एकत्रगत कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो हमें प्रेस मड प्राप्त होती है, इसे हम अपने सीबीजी प्लांट में, जो आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, भारत का पहला सीबीजी प्लांट, उसमें भेजा जाता है और वहाँ से सीबीजी गैस बनाई जाती है। और अब इस क्लियर जूस को फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर के द्वारा ब्रिक्स बनने तक पकाया जाता है अलग अलग बॉडी में, जिससे यह सिरप में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इस सिरप को वैक्यूम पैन पर लेकर जाते हैं, जहां पर इसको शुगर क्रिस्टल बनने तक बॉईल किया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अब इसमें क्रिस्टल आना शुरू हो चुका है और इसको हम इस विधि के द्वारा चेक करते हैं। इसके बाद शुगर क्रिस्टल वाले पैन को क्रिस्टलाइजर में वाल्व द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहां से इसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन में भेज दिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा वाइट शुगर और शीरे को अलग अलग कर दिया जाता है। जिससे वाइट शुगर को कॉपर में डिस्चार्ज कर ग्रेडर में ले लिया जाता है, जहां से अलग अलग शुगर की ग्रेडिंग की जाती है। स्मॉल मीडियम लार्ज साइज में इसको अलग अलग बिन में कर लिया जाता है, जहां से ऑटोमेटिक मशीन को 50 किलो के पीपी बैग में पैकिंग करते हैं और इसे गोडाउन में भेज दिया जाता है।